असलम एवरी वन आई एम फिजा ताहिर एंड दिस लर्नर्स अकेडमी सो टूडे वी हैव अवर लेक्चर ट्वेल्व दैट इज़ सिंगल हुड एंड मिडल एज सो अप्रॉक्सीमेटली देर आर फाइव परसेंट पीपल ठीक है जो मिडल एज में आ, होते हैं जो कभी अपनी जिंदगी में शादी नहीं करते ठीक है क्योंकि ये जो ग्रुप है फाइव परसेंट लोग हैं ठीक है इस तरह का तो इन पर रिसर्च भी बहुत कम की गई है लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग ये लोग जो अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं करते ठीक है बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं क्योंकि इनके ऊपर किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है अब इनके ऊपर अपना ही है अपने खुद का ही इन्होंने करना है खुद की ज़िम्मेदारियाँ उठानी है तो ये बहुत करियर ओरिएटेड होते हैं जैसे आप चैरिटी वर्कर्स को देख लो स्कूल टीचर्स भी काफ़ी ऐसे हैं जो शादी नहीं करते तो वो अपनी ज़िंदगी को एक किस्म का वक्फ कर देना ठीक है इसी तरह जो प्रीस्ट होते हैं ठीक है लेकिन जिधर अल्लाह ताला ने अगर इंसान को पैदा किया है और इस दुनिया में अगर भेजा है तो इसमें कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है आप एक इंसान अकेला ज़िंदगी में नहीं रह सकता इस दुनिया में नहीं रह सकता तो उसको कनेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं फॉर सर्टेन रीजंस ठीक है जैसे अगर आप परेशान हो आप आ, कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपकी लाइफ में तो यू नीड समवन टू जो कि आपको सुन सके जो आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन प्रोवाइड कर सके ठीक है तो ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में शादियां नहीं करते सिंगल रह जाते हैं अपनी मर्जी से या कोई और वजूहत हो जाती हैं तो इन अगर इन ये मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना ये लोग तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इनको कभी कभी अक्सर इनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू जो मैरिड लोग हैं ना उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहता है ठीक है एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर लेना तो इन उनको इतनी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी के सिंगल लोगों को जो विडोहुड का जो टाइम पीरियड है वो वुमेन और मैन दोनों के ऊपर आता है और जितना छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के बगैर जिनको सर्वाइव करना पड़ता है एडजस्ट करना पड़ता है इसी तरह स्पाउस अगर आपका चला जाता है ठीक है इस दुनिया से तो आपको भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपनी ठीक है जो वुमेन है वो ज़्यादा जल्दी एडजस्ट हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो अब इनके पास चांसेस ही होते हैं ना कि या तो कुछ लोग शादी कर लेते हैं दोबारा कुछ लोग कहते हैं कि अब जो ज़िंदगी रह गई है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोग सिक्सटी फाइव ईयर्स में विडो होते हैं ठीक है तो उसमें अब अब अगर वुमेन की बात की जाए तो जो चांसेज हैं ना दोबारा शादी करने के थोड़े से कम हो जाते हैं ऑप्शनस में ये भी आ जाता है ना कि अगर आपका स्पाउस चला गया फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वुमेन की बा, अगर बात करूँ तो आ, उसका जो शोहर है उसकी डेथ हो गई किसी भी वजह से ठीक है एक्सीडेंटल थी या जो भी था तो उनके पास दो दो तीन किस्म के ऑप्शन आ जाते हैं या तो ये कि अपनी ज़िंदगी को इसी तरह गुजारने जैसे चल रही है दूसरों के रहमोक्रम पर गुजार देना डिपेंडेंट रहना ठीक है कुछ लोग शादी कर लेते हैं कुछ शादी नहीं करते लेकिन वो अपने पैरों पर पे खड़े होने की पूरी कोशिश करते हैं ठीक है तो मतलब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो खुद उठाना तो ये कुछ ऑप्शन हैं अब लोपेटा ने तीन पैटर्न्स बताए हुए एडजस्टमेंट के ठीक है विडोहुड की आ, के बाद जो एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है ना उसके तीन पैटर्न्स हैं एक तो ये कि सेल्फ इनिशिएटिंग जो वुमेन की बात की हुई है तो सेल्फ इनिशिएटिंग वुमेन जो होती है ना वो उनके लिए थोड़ा सा इजी होता है अपनी लाइफ को दोबारा से कंटिन्यू करना ठीक है नए पैटर्न उनके लाइफ में बनते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलना जुलना अपने नए लाइफ को इस्टेब्लिश करना ठीक है और अपने फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना एज़ कम्पेयर टू देयर पास्ट और पास्ट को बल्कि देखते ही नहीं है ठीक है इसी तरह अगर बात की जाए ट्रेडिशनल वुमेन की तो उनमें यह है कि उनको जिस तरह के स्पाउस की डेथ से पहले जिस तरह के उनका इंटरेक्शन था उसी तरह वो कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी लाइफ को इस्पाउस की डेथ के बाद भी अब सोशली आइसोलेटेड जो वुमेन है ना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ठीक है जिनका सिर्फ अपने अपने घर में रहना और अपने स्पाउस के साथ ही रिलेशनशिप उसके अलावा उन्होंने मेंटेन नहीं किए हुए थे रिलेशनशिप्स तो उनके लिए थोड़ा सा इश्यू होता है कि न्यू सोशल कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन uh, करना ठीक है तो उनके लिए टाइम को पास uh, करना एज कंपेयर टू दोज हु कंटिन्यू देर लाइफ जैसे कि उनकी शोहर की डेथ से पहले होता था ठीक है तो इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है ये चीज़ अब मिडिल अडाइल्ड हुड में इंडिविजुअल के दो टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं ऑकोपेशनल पैटर्न्स ठीक है एक तो ये कि स्टेबल पैटर्न्स जो कि करियर की बात करें ठीक है और एक होते हैं चेंजिंग करियर्स ठीक है स्टेबल करियर्स और चेंजिंग करियर्स अब मिडल एज के वो लोग जिनके स्टेबल करियरस होते हैं ठीक है तो उनकी एक्सपीरियंसिस अपनी जॉब के साथ बहुत अच्छे और होते हैं वो अपनी जॉब को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं उसी में सेटल होने की पूरी कोशिश करते हैं सेटल हो भी जाते हैं और फिर विद टाइम ऐसा भी होता है कि स्टेबल करियर्स की वजह से ही स्टेबल रहने की वजह से काफ़ी साल एक जगह पे काम करने के लिए करने की वजह से उनको अक्सर जो पोजिशन है ना उनकी ऑफिसेज में वो भी काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इनको अच्छी मिल जाती हैं तो ये जो मिडल एज के ये वाले लोग होते हैं अपनी लाइफ से बहुत सेटिसफाइड होते हैं तो इसमें स्टेबल करियरस में फिर आ जाती हैं दो कैटेगरीज़ आ जाती है एक वर्काहलिक्स और एक मेलोड वर्काहलिक्स जो होते हैं वो हर वक्त अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लगे रहते हैं कि अब रिटायर हो गए तो उसके बाद क्या करेंगे और मतलब अगर जॉब खत्म हो जाती है तो तब क्या करेंगे ठीक है ये हर वक्त इस सोच में पड़ जाते हैं जबकि जो मेलोड जो टाइप है उसमें यह है कि ये लोग थोड़े से रिलैक्स होते हैं अपने काम को एंजॉय करके करते हैं ठीक है चेंजिंग करियर्स में जो लोग आ जाते हैं मिडिल एज के ठीक है उनका ये है कि एक जगह पर टिक के ज़्यादा देर तो तक जॉब नहीं कर सकते जैसे अगर कोई इंसान ट्वेंटी इयर्स काम कर रहा है तो अब वो थक गया है वो बोर हो गया उस जॉब से तो वो छोड़ देगा ठीक है तो इन लोगों के अंदर जो बोरियत का वो है ना वो बस वो एलिमेंट इनको ये कंटिन्यू नहीं करने देता ये जॉब्स पे जॉब्स चेंज करते हैं अपनी काफ़ी दफ़ा इनको अनएम्प्लॉयमेंट भी फेस करनी पड़ जाती है यही कि एक जॉब छोड़ दी अब नेक्स्ट जॉब की जब तक मिल नहीं जाएगी तो अनएम्प्लॉमेंट रहेगी अब इब्राहिम मेजलो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ठीक है तो अकॉर्डिंग टू हिम सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन जो है ना वो तब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप मिडिल एज में नहीं पहुंच जाते ठीक है मिडिल एज से पहले जो इंसान है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में लगा रहता है अपनी रोटी कपड़ा मकान सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एजुकेशनल इन्वायरमेंट करियर्स ठीक है मैरिज और पेरेंटहुड इस इन सब में बिज़ी रहता है उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो सेल्फ एक्चुलाइजेशन वाले टाइम पीरियड में आ जाता है बेजलो ने एक रिसर्च की थी फोटी एट इंडिविजुअल्स के ऊपर ठीक है उस जिसमें उसने फिफ्टीन ट्रेड्स बताई थी कि जो लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले पॉइंट तक पहुंच जाते हैं उनमें क्या फ़िफ्टीन ट्रेड्स आती हैं एक तो ये कि ये रियलिटी को एफिशिएंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं इनकी जो विशेज़ हैं इनकी फीलिंग्स इनकी डिज़ायर्स वो रियलिटी बेस्ड होती हैं ठीक है ये ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते दूसरा ये कि अपना खुद को एक्सेप्ट करना और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी एक्सेप्ट करना ये लोग शुरू कर देते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना शुरू कर देते हैं ये लोग बहुत प्रॉब्लम सेंटर्ड ठीक है स्पॉन्टेनियस होते हैं और अपने आप को दूसरों से इजीली डिटैच कर सकते हैं जिस पे उन्होंने इसने रिसर्च की थी ना मज़्लों ने उसमें उसने ये चीज़ नोट की थी कि वो जो लोग थे ना जो जिन पे इसने रिसर्च की थी वो ज़्यादा अकेले रहना सॉलीटूड को ज़्यादा पसंद करते थे ये लोग जो हैं नेचर को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं ठीक है इनके नज़दीक सोशल क्लास रेस एजुकेशन रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीव्स की कोई वैल्यू नहीं होती ठीक है ये हर एक बंदे को एक्सेप्ट करते हैं सुनते हैं उनको बर्दाश्त करते हैं उन लोगों को और ये लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं ठीक है इनकी क्रिएटिविटी जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है असल सो दिस इज़ द एंड ऑफ टूडेज़ लेक्चर थैंक यू सो मच अल्लाह हाफि